दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ। मेरे पास एक पीस आया दोस्तों, ये पीस लाइफ स्टाइल का है। दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये डेट मेरे पास आया है मोबाइल, बट इसका मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ और मैं इसे सही करने का तरीका भी बताऊँगा दोस्तों, तो मेरे ध्यान से लास्ट तक देखिए। दोस्तों ये मोबाइल है लाइफ स्टाइल LS4503, ये इसका मॉडल नंबर है LS4503। ये लाइफ स्टाइल का पीस है दोस्तों। तो दोस्तों ये पीस का मतलब ये डेट तो है, बट इसमें डेट जैसा कुछ वो नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए जब मैं इसे कॉन्टिन्यूटी पे इसे रखता हूँ और यहाँ पे रेड को रखता हूँ पत्रे पे, और GND भी या पत्रे पे कहीं पे भी रखो, और इसको जब चेक करता हूँ तो देखिए क्या बताता है। एक तरफ रीडिंग बता रहा है, दूसरी तरफ बीप की साउंड आ रही है। इसे दिखा देता हूँ, एक तरफ रीडिंग आ रहा है, एक तरफ बीप की साउंड आ रही है। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन ऑन नहीं है। देखिए मैं आप लोग के सामने ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये फ़ोन कहीं से भी ऑन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों ये ऑन ही नहीं हो रहा फ़ोन, तो इसके फॉल्ट होगा। इसके बैटरी को देख लेते एक बार चेक करके। इसे रख देना है 20 पे। देखते हैं दोस्तों बैटरी का, देखिए तो 3.93 बता रहा है, मतलब बैटरी भी बराबर है। बट हम थोड़ा इसको और झटका देके फिर ट्राई मार लेते हैं एक बार, देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं। दोस्तों अगर ये झटके से भी नहीं सही हुआ तो इसमें सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इशू होगा, क्योंकि हार्डवेयर तो सही लग रहा है। कोई भी बोर्ड में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो इसमें सॉफ्टवेयर ही इशू हो सकता है। तो हम स्टेप वाइज जाएंगे दोस्तों, पहले हम इस पर थोड़ा झटका दे के देख लेते हैं। इसका फॉल्ट पकड़ में आता है कि नहीं। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया होगा। चलो इसको हम चेक करके देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं। नहीं दोस्तों अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर ही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं रीसेट मार के देख लेता हूँ इसको, हार्ड रीसेट। अगर ये उससे काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर भी मार के देख लेंगे दोस्तों। तो मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। जैसे आप अभी देख रहे थे कि सब मोबाइल मेरा बंद था, तो हमको क्या करना है, जो मतलब पावर की है और जो वॉल्यूम अप का बटन है, दोनों को साथ में दबाएंगे तो रिकवरी मोड आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को एक सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। देखिए अब ये आ गया, तो अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि अभी अगर मैं
इसमें जाऊँ, फैक्ट्री रीसेट में जाऊँ, तो मेरा सब चीज़ अंदर का डेटा उड़ जाएगा, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे जैसे एक बार ऑन हो गया तो हम इसे छोड़ के फिर से रिबूट भी कर सकते हैं। रिबूट है, रिबूट सिस्टम दिख रहा है, हमें रिबूट सिस्टम कर देना है, तो इससे भी हमारा मोबाइल चालू हो जाएगा। ऐसे हमारा कुछ उड़ेगा भी नहीं। अगर ऐसे नॉर्मल में काम हो रहा था ऐसा भी कर लीजिए आप, तो आपको हार्ड रीसेट माननी पड़ेगी। अगर नहीं चालू होता एकदम कंडीशन ख़राब है कि हाँ हार्ड रीसेट माननी पड़ेगी, तो हार्ड रीसेट मार के रिबूट सिस्टम कर दीजिए, तो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। अगर आप रिकवरी मोड तक आ जाते तो बैटरी को निकाल के एक बार रख दीजिए साइड में, रिटर्न से डालिए बैटरी को, फिर सिर्फ पावर की दबाइए, तो पावर की से वो ऑन हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपके सामने मोबाइल, ये चालू हो गया है दोस्तों। देखिए ये ऑन हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे न्यू न्यू आइडियाज़ और ट्रिक्स मैं लेके आते रहूँगा, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ऐसे न्यू न्यू ट्रिक लाऊंगा कि आप घर बैठे भी मोबाइल बना सकते हो। बाय दोस्तों। दोस्तों तो मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। जैसे आप अभी देख रहे थे कि सब मोबाइल मेरा बंद था, तो हमको क्या करना है, जो मतलब पावर की है और जो वॉल्यूम अप का बटन है, वो दोनों को साथ में दबाएंगे तो रिकवरी मोड आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मोबाइल चालू हो गया, जो अभी तक नहीं चालू हो रहा था हर कोशिश से वो अब चालू हो गया। तो एक बार जब रिकवरी मोड आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या टेक्निक है। जैसे आपको डर है कि मोबाइल को अगर हम लोग हार्ड रीसेट मारेंगे तो उसके अंदर के सारे फैक्ट्री हार्ड फैक्ट्री रीसेट मारेंगे तो उसके अंदर के जितने भी जो भी होंगे ऐप्स, फोटो, गूगल प्ले आईडी जो भी होगा वो सब उड़ जाएगा, तो मैं आप लोग को एक मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सिर्फ आप ऐसा करके छोड़ देना तो ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को एक सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। देखिए अभी आ गया, तो अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि अभी अगर मैं इसमें जाऊं फैक्ट्री रीसेट में जाऊं तो मेरा सब चीज़ अंदर का डेटा उड़ जाएगा, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे जैसे एक बार ऑन हो गया तो हम इसे छोड़ के फिर से रिबूट भी कर सकते हैं। रिबूट है, रिबूट सिस्टम दिख रहा है, हमें रिबूट सिस्टम कर देना है, तो इससे भी हमारा मोबाइल चालू हो जाएगा। ऐसे हमारा कुछ उड़ेगा भी नहीं। अगर ऐसे नॉर्मल में काम हो रहा था ऐसा भी कर लीजिए आप, तो आपको हार्ड रीसेट माननी पड़ेगी। अगर नहीं चालू होता एकदम कंडीशन ख़राब है कि हाँ हार्ड रीसेट माननी पड़ेगी, तो हार्ड रीसेट मार के रिबूट सिस्टम कर दीजिए, तो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। अगर आप रिकवरी मोड तक आ जाते तो बैटरी को निकाल के एक बार रख दीजिए साइड में, रिटर्न से डालिए बैटरी को, फिर सिर्फ पावर की दबाइए, तो पावर की से ऑन हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपके सामने मोबाइल, ये चालू हो गया है दोस्तों। देखिए ये ऑन हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे न्यू न्यू आइडियाज़ और ट्रिक्स मैं लेके आते रहूँगा, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ऐसे न्यू न्यू ट्रिक लाऊंगा कि आप घर बैठे भी मोबाइल बना सकते हो। बाय दोस्तों।